गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे हैं आज जो आपको प्रॉब्लम्स दी थी उनसे रिलेटेड सॉल्यूशंस। ठीक है, आपको DPP 4 में मैंने दिया था 1 to 25 क्वेश्चंस थे, आई थिंक 21 क्वेश्चंस थे। तो 1 to 10 क्वेश्चंस जो आपके थे वो इस फॉर्मूले पर बेस्ड थे, G² = AH। लास्ट क्लास में जो हमने डिस्कस किया था वो ये प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी, A > G > H, अर्थमेटिक मीन ऑफ टू नंबर्स A + B/2, ज्योमेट्रिक मीन √AB, हार्मोनिक मीन (2AB/A+B)। ठीक है, तो 1 to 10 के क्वेश्चंस आई थिंक आप सभी ने कर लिए हैं। इसमें दो क्वेश्चन में थोड़ा डिस्प्यूटेड था, डिस्प्यूटेड मेरी तरफ से नहीं था, डिस्प्यूटेड आपको ढूंढना था। ठीक है, केवल दो ही स्टूडेंट्स ने ये डिस्प्यूटेड सर्च किए हैं, तो उसमें से जो फर्स्ट था उसको प्राइज मिलेगा। उन्होंने ही ये डिस्प्यूट सर्च किया है कि दो क्वेश्चन जो थे वो रॉन्ग थे। अभी भी आपके पास चांस है, इस वीडियो तक आप देख सकते हैं, इस वीडियो के बाद भी, कि कौन से दो क्वेश्चंस में वो मिस्टेक्स हैं। मैं बता दूं, बस हिंट दे सकता हूं कि 1 to 10 के बिटवीन वो मिस्टेक्स हैं। ओके, मैं डिस्कस कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 11। कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ईजी क्वेश्चन है, लेकिन मैं इसको करने का प्रोसेस बता रहा हूं कि आपको एग्जाम में ये करना कैसे है। 30 x^1 आपको गिवन है 25, x^2 आपको गिवन है 35, आपको निकालना है x^1 2। ठीक है, कंबाइन एवरेज वाले क्वेश्चन से ये। तो कंबाइन अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, कंबाइन अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या था, x^1 2 n1 x^1 + n2 x^2 / n1 + n2। ध्यान रखना, जब भी हम कोई भी न्यू कंसेप्ट लर्न करें, कुछ भी न्यू सीखें, तो हमेशा पहले फर्स्ट क्वेश्चन या एक दो क्वेश्चन पूरे प्रोसीजर से करें। ट्रिक्स तभी जनरेट होती हैं जब आपको प्रोसीजर पता होगा, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। तो इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करते हैं, n1 20 x1 = 25 + n2 30 x2 = 35 / n1 + n2। कोशिश कीजिए इनको ओरली ऐड करके लिखें, 50। ओके, इसको सॉल्व कर लीजिए, सारा काम कैलकुलेटर का है। 20 × 25 और इक्वल, ओरल आता है तो बहुत बढ़िया है, 30 × 35 और इक्वल 1050 / 50। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे, तो इन दोनों को प्लस कीजिए, 1550 / 50, और डिवाइड किससे कर दीजिए, 50 से, तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, 31। ठीक है, आई थिंक ये सभी का सही होगा। मैंने ये इसलिए नहीं बताया है, इजी क्वेश्चन है, मैंने इसलिए बताया कि इसकी कैलकुलेटर की ट्रिक मैंने आपको नहीं बताई थी, और ट्रिक जनरेट होगी इस कंसेप्ट से। देखिए, हमें क्या करना है, n1 को x^1 से इंटू करना है। तो सबसे पहले तो आपको जब भी इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में मिले, तो लैंग्वेज मिलेगा, जैसे नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ गर्ल्स इतना इतना है, ऐसा कुछ। ओके, तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको जब भी एग्जाम में मिले, आप हमेशा वहां पर n1 n2 x^1 x^2 मार्किंग कर लें। फिर फॉर्मूले को ध्यान रखें, विजुलाइज रखें, n1 को किससे इंटू करना है आपको, x^1 से। तो n1 को हम किससे इंटू करेंगे, x^1 से। तो कैसे करेंगे, वही हमारा पुराना तरीका, 20 × 25 और इक्वल क्या, 20 × 25 = फिर 30 × 35 और इक्वल, दोनों इक्वल दबाते हैं, इनका एडिशन करना, तो एडिशन के लिए कौन सा स्विच होता है, GT। हम जैसे ही GT करेंगे तो हमारे पास न्यूमरेटर का आंसर आ जाएगा। इसको किससे डिवाइड करना है, डिनोमिनेटर से, तो divided by 50 करके देखते हैं, 20 × 25 और इक्वल 30 × 35 = और GT और divided by 50, तो आपके पास सीधा आंसर आ जाएगा 31। आपको लिखना कुछ भी नहीं है, लेकिन हम शुरू के एक दो क्वेश्चन लिखेंगे ताकि हमें ट्रिक समझ में आ जाए। ओके, आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा। अब हम कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, n1 = 37, n2 = 37। ओके, x^1 कितना है, 80, इसको रहने दीजिए, हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16।
इसको थोड़ी देर बाद लेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, ये तो इजी क्वेश्चन ले लिया मैंने। एन वन, जो मैं कंसेप्ट पढ़ाना चाह रहा हूँ वो इस क्वेश्चन में मिलेगा। एन वन एन टू, एक्स बार वन टू कितना है 50 और एक्स बार वन कितना है 25। आपको एक्स बार टू निकालना है, ठीक है। पहले वही इसका प्रोसीजर फॉर्मूला लिख लीजिए, एक्स बार वन टू एन वन एक्स बार वन एन टू एक्स बार टू अपॉन एन वन प्लस एन टू। वैल्यू पुट कीजिए 100 इंटू 25 प्लस एन टू कितना है 120, एक्स बार टू कितना है पता नहीं है तो ऐसा का ऐसा लिखा रहने दो, अपॉन एन वन प्लस एन टू कितना आ गया 220। अब देखो इसको हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा हमें देखो अगर स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो पहले ये इससे इंटू होगा, कौन किससे इंटू होगा 50 इंटू 220, 50 इंटू 220 और इक्वल। अब ये इससे इंटू हो गया, अब ये भी तो इससे इंटू होगा ना, तो 25 इंटू 100, तो 25 इंटू 100, या अभी 100 इंटू 25 लिख रहा है तो हम ऐसे लिख लेंगे 100 इंटू 25, ओके। लेकिन देखो ये इधर आएगा, ये हमें वैल्यू इसकी निकालनी है ना, तो ये वैल्यू किधर जाएगी इस साइड पे, कैसे देखो 50 इंटू 220 इक्वल्स टू 2500 प्लस 120 एक्स टू बार, हमें इसकी वैल्यू निकालनी ना, तो ये इधर जाएगा, ये इधर पॉजिटिव है तो इधर जाके क्या होगा नेगेटिव होगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो अब कैलकुलेटर में नेगेटिव कैसे लाएं, तो मैंने आपको लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि कैलकुलेटर में नेगेटिव कैसे लाएंगे, हमें पता है कि डिनोमिनेटर उससे इंटू होगा, दिस इंटू दिस और इक्वल, अब दिस इंटू दिस, लेकिन ये उधर जाके क्या होगा नेगेटिव, तो इसके आगे कौन सा साइन दबा देंगे प्लस माइनस दबा के फिर इक्वल दबाएंगे, इससे ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी माइनस की, प्लस और माइनस की लड़ाई करवाएंगे तो फाइनल रिजल्ट क्या रहता है माइनस, और उसके बाद भाई दोनों को ऐड करना है तो क्या दबा देंगे जीटी। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी एक्स टू बार की, लेकिन 120 तो इसके साथ है ना, तो 120 को भी उधर भेजेंगे, तो इसका मतलब डिवाइडेड बाय 120 और इक्वल, ठीक है। अगर ये समझ में नहीं आए तो आप पहले स्टेप बाय स्टेप करें फिर कैलकुलेटर के स्टेप करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, आराम से आ जाएगा, तीन चार बार रिपीट करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। क्या किया 50 इंटू 220 220 इक्वल 11,000 आ गया, फिर 100 इंटू 25 और 25 क्या आ गया प्लस माइनस साइन होता है ना, प्लस माइनस और इक्वल माइनस का 2500, अब जीटी कर दो 8500 और डिवाइडेड बाय 120 और इक्वल, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 70.833 आ रहा है, तो आपको 83 ही रखना है, ओके। आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा, अब हम बढ़ रहे हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो मैं करवा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या था आपको, n गिवन था 100, n1 था 20, n3 था 50, x बार 12 था 56, x बार 2 था 60, x बार 123 था 100, आपको निकालना था x बार 3, ठीक है। तो x बार 3 का फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला। अब इसमें हमें किस किस की जरूरत है, इसमें हमें आपको किस किस की जरूरत है, आपको ये पता है n1 पता है, x बार 1 पता नहीं है, n2 भी पता नहीं है, x बार 2 पता है, n3 पता है, x बार 3 पता नहीं है, और तीनों पता है, तीनों कितना है 100। तो पहले तो हम क्या निकालेंगे n2, अब देखिए n टोटल 100 है, n1 और n3 दे रखा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि n2 छूट रहा है, तो इसका मतलब n2 कितना होगा 100 माइनस 20 प्लस 50, तो n2 कितना आ गया आपके पास 30, 100 में 70 जाएंगे तो 30, तो ये भी पता चल गया। अब क्या पता नहीं है x बार 1, तो अभी पिछला वाला कंसेप्ट से हम क्या निकाल लेंगे x बार 1, तो निकालिए, तो x बार 1 टू 56 20 इंटू x बार 1 प्लस n टू 30 इंटू x बार 2 कितना है 60 अपॉन n1 प्लस n2 20 प्लस 30, तो कितना आ जाएगा 56 20 एक्स बार 1
प्लस 1800 डिवाइड बाय 50, इसको इधर इंटू कर दीजिए, तो इसको इधर इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 56 इंटू 50, तो ये आ गया 2800 इक्वल्स टू 20x बार 1 प्लस 1800। एक बात हो रही है यहाँ पर, आप इससे आप आसानी से एक्स बार वन निकाल सकते हैं, वहाँ पुट कर दीजिएगा आंसर आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन इसको थोड़ा शॉर्ट कर सकते हैं। देखो ये वाली वैल्यू किसकी है, ये वाली वैल्यू इसकी है ना, इसका मतलब n1x बार 1 प्लस n2x बार 2 की वैल्यू है ना, ये कितनी 2800, तो सीधे यहाँ कितना रख दो 2800, तो x बार 1 2 3 कितना है 100 इक्वल्स टू, इसके प्लेस पर क्या रख देंगे 2800 प्लस n3 कितना है 50x बार 3 अपॉन 100। अब इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा और आंसर आ जाएगा। जिसको ये समझ में नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है, आप x बार 1 की वैल्यू निकालो या स्टेप बाय स्टेप कर लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। ओके आई थिंक ये क्लियर हुए होंगे। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर, हाँ एक क्वेश्चन मैं डिस्कस करना चाहता हूँ इसी से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15। 13 में देखिए n1 था 60, n2 था 60, 14 में n1 था 37, n2 था 37, इसमें था n1 25, n2 35 और x bar 1 42, x bar 2 42, यहाँ पर x bar 1 80 और x bar 2 100, ठीक है, और यहाँ पर था x bar 1 75, x bar 2 50। ये तीन क्वेश्चन मैंने इसलिए लिए हैं क्योंकि इनमें कुछ खास बात है। खास बात क्या है, ओके खास बात देखिए क्या है, इन दोनों क्वेश्चंस में n1 और n2 बराबर है, क्या n1 और n2 क्या है हमारे पास, इक्वल है। ओके अब n1 और n2 इक्वल है तो ऐसा होने से क्या होता है, तो जब भी n1 और n2 इक्वल होते हैं तो देखो x bar 1 2 x bar 1 n1 प्लस n2 x bar 2 अपॉन n1 प्लस n2। n1 और n2 अगर इक्वल हो जाएंगे तो यहाँ n2 के प्लेस पर क्या लिख देंगे n1 n1, तो ये n1 n1 कितने हो जाएंगे 2n1, और ऊपर से क्या कॉमन आ जाएगा n1, और n1 से n1 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली क्या बचेगा x bar 1 प्लस x bar 2 अपॉन 2। तो जब भी आपके पास कंबाइंड अर्थमेटिक मीन में n1 n2 n3 जब भी इक्वल हो, अगर n1 n2 इक्वल हो तो कंबाइंड एवरेज का फॉर्मूला क्या होगा x bar 1 प्लस x bar 2 अपॉन 2। चाहे तो देख लीजिए 80 और 100 का वापस अपॉन 2 कर दीजिए तो 90 आ रहा होगा इसका आंसर आपके। ओके दूसरी बात, n3 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा x bar 3 अपॉन 3। दूसरी बात यहाँ देखो, ऑब्जर्वेशन कुछ भी हो, पहला एवरेज 42, दूसरा एवरेज भी 42, तो जब ऑब्वियस ही बात है दोनों एवरेज सेम है 42 42, तो इनका कंबाइन एवरेज भी कितना आएगा 42 ही आएगा। कंबाइन एवरेज भी क्या आएगा आपके पास 42 ही आएगा। ओके आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा, तो नीचे नोट डालिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, एग्जाम में कई बार इसके डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। कैसे देखिए नोट डालिएगा, मतलब ये भी थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। इफ n1 इक्वल्स टू n2, इफ n1 इक्वल्स टू n2 देन x bar 1 2 इज इक्वल्स टू x bar 1 प्लस x bar 2 अपॉन 2, ठीक है, और इसी में लेको लिख लीजिए n1 इक्वल्स टू n2 इक्वल्स टू n3, तो क्या होगा x bar 1 2 3 क्या होगा x bar 1 प्लस x bar 2 प्लस x bar 3 अपॉन 3। सेकेंड पॉइंट, इफ x bar 1 इक्वल टू x bar 2, अगर दोनों एवरेज बराबर हैं, क्या दोनों एवरेज अगर बराबर हैं तो क्या होगा, जो कंबाइन एवरेज है वो भी क्या होगा इन्हीं एवरेज के क्या होगा इक्वल होगा। ओके आई थिंक आपके ये क्लियर हुआ होगा।
अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर। सॉरी, एक अभी हार्मोनिक मीन का क्वेश्चन है, वो भी मैं बता देता हूँ ताकि वो भी क्लियर हो जाएगा। पॉज करके नोट कर लीजिएगा इसको। हार्मोनिक मीन का क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। N1 है आपके पास 50, N2 है आपके पास 60, H1 है 100, H2 है 120। तो H12 कितना होगा ये पूछ रहा है। तो कंबाइन हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला कितना होता है, N1 प्लस N2 अपॉन N1 अपॉन H1 प्लस N2 अपॉन H2 और H12। वैल्यू पुट कीजिए, 50 प्लस 60। मैंने बताया था जब भी N1 N2 है डायरेक्ट लिखिएगा। डायरेक्ट का मतलब इन दोनों को ऑलरेडी ऐड करके लिखना 110। N1 अपॉन H1 तो 50 अपॉन 100 प्लस 60 अपॉन 120। वैसे तो बहुत ही इजी हो गया क्वेश्चन, क्योंकि 50 अपॉन 100 होता है 0.5, ये भी होता है 0.5, 0.5, 0.5, 1, तो आंसर क्या आ जाएगा 110। लेकिन हमें करना किससे है, कैलकुलेटर से, तो कैलकुलेटर से करते हैं। कैलकुलेटर में हमेशा ध्यान रखना रिवर्स ऑपरेशन सबसे पहले करेंगे, तो डिनोमिनेटर को सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो डिनोमिनेटर क्या दिख रहा है, जो दिख रहा है वही करना है, कोई ट्रिक नहीं होती है। हमें जबरदस्ती बनाया जाता है कि कैलकुलेटर की ट्रिक्स, कैलकुलेटर की ट्रिक्स। देयर आर नो ट्रिक्स, ओनली कंसेप्ट। कंसेप्ट को ही हम बार बार समराइज कर देंगे तो शॉर्ट करते जाएंगे तो ट्रिक्स बन जाती है। तो 50 अपॉन 100 और इक्वल, बीच में प्लस लग रहा है तो 60 अपॉन 120 और इक्वल प्लस के लिए GT। अभी अपॉन में है ना, इसको ऊपर लाने के लिए क्या करेंगे, वापस डिवाइड और इक्वल, ऊपर आ गया। अब किससे इनटू कर देना है, 110 और इक्वल करके देख लीजिएगा, आपका आंसर कितना आ जाएगा, 110। ओके, आई थिंक आपके क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट हेडिंग डालेगा, एक कंसेप्ट और बच रहा है अरिथमेटिक मीन में, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, प्रथम एन प्राकृत संख्याओं का योग। सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, ठीक है। सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स में क्या होता है, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, वन से जो स्टार्ट होते हैं। तो कौन कौन से आएंगे इसमें, 1 + 2 + 3 + 4, कहाँ तक, एन तक। इसका जो सम का फॉर्मूला होता है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एन, नॉर्मली किससे लिखेंगे, सम फर्स्ट एन आता है तो इसको लिखेंगे एन n+1/2। ये सारी चीज़ें हमारे मैथमेटिक्स में एक चैप्टर है, सीरीज, सिक्वेंस एंड सीरीज, वहाँ पर वापस देखेंगे। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया, सम का। ओके, इसके बाद दूसरा कंसेप्ट आता है जो आपको DPP में क्वेश्चन परेशान कर रहा होगा, एवरेज ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, प्रथम एन प्राकृत संख्याओं का औसत, एवरेज, अरिथमेटिक मीन। तो कुछ नहीं करना, ये जो सम है इसमें से एन हटा देना, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, n+1/2। आपको याद हो तो एक क्वेश्चन होगा लास्ट वाले DPBs में, एवरेज ऑफ फर्स्ट 79 नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट 79 नेचुरल नंबर्स। तो n के प्लेस पर क्या पुट कर दीजिए, 79 + 1/2 कितना आ गया, 80/2, दैट इज 40। ठीक है, इसके बाद एक फॉर्मूला और होता है, बेसिकली कहीं जादू से नहीं आया है, कोई ट्रिक नहीं है, हमने क्या किया है, ये वाला फॉर्मूला लगाया है, summation x/n, summation x ये रहा एन, n+1/2 और n कितना है, स्मॉल n, n से n कट जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद एक और फॉर्मूला है, इफ देर आर सेम डिफरेंसेस, क्या, इफ देर आर सेम डिफरेंसेस एंड ऑर्डर क्या हो,
इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, मतलब यदि अंतर समान हो वह क्रम कौन सा हो, बढ़ते हुए या फिर घटते हुए। शायद यहाँ पर यह आएगा, है ना, बढ़ते हुए। ओके, डिफरेंस सेम हो और ऑर्डर क्या हो, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, तो क्या होता है। आई थिंक ये ऊपर वाला नोट हो गया होगा। ये सारे कंसेप्ट, ये सारे फॉर्मूले जो डिराइव होते हैं, ये सब APGP से होते हैं। वहाँ मैं इसका कंसेप्ट बताऊँगा। किसी को अगर पूछना हो कि इसका फॉर्मूला कैसे बना, वो भी बताता हूँ। बाकी आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है, इसका जो एवरेज होता है वो होता है फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन टू। ठीक है, फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन टू, कैसे देखिए। आई थिंक ये लिख लिया होगा। आपसे जैसे क्वेश्चन पूछ लिया, फाइंड एवरेज ऑफ फर्स्ट 20 मल्टीपल्स ऑफ 4, चार के प्रथम 20 गुणकों का औसत होगा। अब 4 के फर्स्ट 20 मल्टीपल्स क्या क्या होंगे, पहला क्या होगा 4, फिर 8, फिर 12, और लास्ट वाला 20 नंबर वाला क्या होगा 4 to 80, ये पूछ रहा है। अब या तो इसका टोटल करो फिर डिवाइड करो, लेकिन इसकी ट्रिक है क्या, हमने देखा गैप सेम होना चाहिए, तो देखो गैप सेम है। ओके, गैप सेम है, और इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो एवरेज का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट प्लस लास्ट, तो फर्स्ट कितना है 4, लास्ट कितना है 80 अपॉन 2, पुट कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 84 अपॉन 2, तो कितना आ जाएगा 42 इसका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा 42 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो इस कंसेप्ट से होंगे। आई थिंक ये आपके क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो हमारे जो भी डाउट्स थे वो DPP-4 के, आई थिंक वो सारे आपके क्लियर हो चुके होंगे। अब हम बढ़ेंगे आगे। तो अब मैं आपको इसके क्वेश्चन दे रहा हूँ जो आपको करने हैं, इससे रिलेटेड जो भी अभी तक हमने पढ़ा है। अब हम एक्सरसाइजेस के कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं। तो यह आपके मॉड्यूल का चैप्टर 15 है, इसके अंदर जो सेट बी है उसके क्वेश्चन करने हैं आपको 1, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 20, ये सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं। ओके, तो आपके लिए होमवर्क है। इसके बाद हम पढ़ते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट, दैट इज मीडियन। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट, दैट इज मीडियन। आप लोगों को पता हो तो अभी तक जो हमने एवरेज पढ़ा कौन कौन सा, अर्थमेटिक मीन, मीडियन, सॉरी अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन, ये कौन से टाइप का एवरेज था बताइए जल्दी जल्दी, कौन से टाइप का एवरेज था। इट इज मैथमेटिकल एवरेज, गणितीय औसत, जो स्टार्टिंग क्लास में पढ़े थे, दो टाइप पढ़े थे ना, मैथमेटिकल और पोजिशनल। ओके, तो अभी तक हमने कौन से एवरेज कंप्लीट किए हैं, अर्थमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन, ये कौन से टाइप के एवरेज है, मैथमेटिकल, गणितीय औसत। अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो कौन से एवरेज है, पोजिशनल एवरेज, मीडियन एंड मोड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मेनली मान के चलिए अगर हम 10th तक की बात करें तो हमारे तीन ही एवरेज पढ़ाए जाते हैं, मीडियन, मीन और मोड। तो मीडियन में सबसे पहली खास बात, ये कौन से टाइप का एवरेज है, इट इज पोजिशनल एवरेज। कौन सा एवरेज है ये आपके पास, इट इज पोजिशनल एवरेज, मतलब स्थिति के अनुसार निकाले जाने वाला औसत। ठीक है, तो इसमें किसकी इंपॉर्टेंस है आपके लिए,
पोजीशन की इम्पोर्टेंस है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब पोजीशन की इम्पोर्टेंस है तो हमें दूसरा रूल पढ़ना पड़ेगा। दूसरा रूल क्या है, मतलब पहली तो ये लाइन है, दूसरा क्या है, वी हैव टू अरेंज गिवन डेटा इन असेंडिंग ऑब्लिक डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, जो भी हमें ऑब्जर्वेशन गिवन है उसे किस ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा, असेंडिंग में और डिसेंडिंग में। नॉर्मली ध्यान रखना, हम जो कंसेप्ट पढ़ते आ रहे हैं बचपन से वो असेंडिंग का पढ़ते आ रहे हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा हम हमेशा किस में अरेंज करेंगे, असेंडिंग में। तीसरा रूल, तीसरी बात आपको ध्यान रखनी है, इफ एफ इज गिवन, अगर हमें एफ गिवन है देन वी हैव टू प्रिपेयर सी एफ, अगर हमें एफ गिवन है तो क्या बनानी पड़ेगी, सी एफ बनानी पड़ेगी। मतलब यदि, पहले मैं इसकी हिंदी कर देता हूं, दिए हुए अवलोकन को हमें बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है, दिए हुए अवलोकन को हमें बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। नेक्स्ट पॉइंट, यदि एफ दी हुई हो, एफ मतलब, एफ बोले तो फ्रीक्वेंसी, ठीक है, याद है बोले तो, पहली बार जब यूज हुआ तो मुन्ना भाई एमबीबीएस में, तो एफ बोले तो फ्रीक्वेंसी, अगर एफ गिवन है तो हमें क्या बनानी है, सी एफ, एंड सी एफ बोले तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचयी बारंबारता, जब फ्रीक्वेंसी को क्यूमुलेट करते हैं, जोड़ते जाते हैं। ठीक है, तो ये दो रूल आपको ध्यान रखना है, एक तो कौन सा, डिसेंडिंग को हटा दीजिएगा, आप कौन से ऑर्डर में अरेंज करेंगे हमेशा, असेंडिंग में, दूसरा अगर एफ गिवन है तो सी एफ बनानी है। अब एफ कौन सी सीरीज में मिलेगी, हाँ एफ मिलेगी आपको डिस्क्रीट में और कंटिन्यूस में। ओके, तो आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा। अब हम बढ़ते हैं इसके फॉर्मूले की ओर। ये ध्यान रखना, कई बार ये भी पूछ लेता है कि किस टाइप का एवरेज है, तो पोजिशनल एवरेज है। ओके, नेक्स्ट हेडिंग डालिए, मीडियन फॉर इंडिविजुअल सीरीज व्यक्तिगत श्रेणी के लिए माध्यिका। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है, एम इक्वल्स टू एन प्लस वन अपॉन ट्वेल्थ वैल्यू। हमारे पास ऑब्जेक्टिव है तो हमें लिखने पे ध्यान नहीं रखना है, लेकिन फिर भी हम हर क्वेश्चन में लिखेंगे, फॉर्मूला आपको हर क्वेश्चन में, हर सॉल्यूशन में लिखना है, ये ध्यान रखिएगा। और एन का मतलब क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, कितने आपके पास ऑब्जर्वेशन है, कितने अवलोकन है, कितने डेटा हैं। ओके, एक क्वेश्चन करते हैं हम, फर्स्ट 2, 8, 12, 13, 14, 18, 17, 20 और 22। ओके, अब इसमें क्या करना, आपको अगर क्वेश्चन इस तरह से प्रिंट मिलेगा तो आपको एग्जाम में अरेंज नहीं करना, आपको केवल नंबरिंग करनी है। क्या करनी है, केवल नंबरिंग। तो केवल नंबरिंग कर दीजिए, तो सबसे पहले छोटा कौन है, 1, फिर इससे बड़ा 2, फिर इससे बड़ा 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो जैसे आप नंबरिंग करेंगे तो आपको ऑब्जर्वेशंस भी पता चल जाएंगे। तो कितने ऑब्जर्वेशन है आपके पास, 9। तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दीजिए, तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे तो कितना होगा, एम इक्वल्स टू 9 + 1/2 10/2 मीन्स 5th वैल्यू या 5वां पद। तो 5th नंबर पर कौन है, 14। तो हमारा एम का आंसर कितना हो जाएगा, 14। ध्यान रखना, यहाँ पर एक क्वेश्चन पुटअप होता है, क्या क्वेश्चन पुटअप होता है, कई बार एग्जामिनर आपसे पोजीशन पूछ लेता है, तो पोजीशन का फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला होता है ना, ये आंसर प्रोवाइड नहीं करता, ये आंसर की पोजीशन को प्रोवाइड करता है।
ठीक है, समझ में आया, ध्यान से समझिएगा। ये जो फॉर्मूला है ये कभी भी मीडियन का आंसर नहीं देता डायरेक्ट, ये मीडियन के आंसर किस पोजीशन पर मिलेगा वो पोजीशन ये बताता है। तो इसका मतलब इस फॉर्मूले से क्या पता चलती है, पोजीशन, कि कौन सी पोजीशन पर हमारा आंसर होगा, कौन सी स्थिति पर होगा। तो फिफ्थ पोजीशन पर है, तो फिफ्थ पोजीशन वाली वैल्यू कौन सी है, 14, 14, तो हमारा मीडियन का आंसर ये हो जाएगा। ओके, आई थिंक ये आपके क्लियर हुआ होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं एक और। ठीक है, ये क्वेश्चन लेते हैं। अब इसमें वही नंबरिंग करते हैं, तो नंबरिंग करते कितना होगा, 1, फिर इससे बड़ा कौन है, 2 से बड़ा, 6, 2, 3, 4, फिर 5, 6, 7, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो कितने ऑब्जर्वेशन है, 10। फॉर्मूला में वैल्यू पुट कीजिए, फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, n प्लस 1 अपॉन 2, 10 प्लस 1 11 अपॉन 2 मीन्स 5.5th वैल्यू, कौन सी वैल्यू, 5.5th वैल्यू। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, इस 5.5th को सॉल्व करने के दो प्रोसीजर हैं। पहला प्रोसीजर, ओनली फॉर m मीडियन के लिए, और दूसरा प्रोसीजर है फॉर ऑल। अब ये ऑल क्या हो गया, ऑल मीन्स जो हम आगे पढ़ेंगे, आगे यही पोजीशंस और भी रिपीट होंगी, तो ये जो प्रोसीजर होगा ये सब पर काम करेगा, लेकिन ये किस पर काम करेगा, ओनली मीडियन पर, और मीडियन पे भी क्या खास बात होती है, 0.5 पर, किस पर, 0.5 पर। तो जबकि आपके पास डेसिमल में 0.5 आ जाए तो आपको हमेशा यही अप्लाई करना है। तो मीडियन 5.5th वैल्यू, मैंने बताया था ये फॉर्मूला क्या बताता है, पोजीशन। तो 5.5 का मतलब हम 5 पे खड़े हैं, क्या 6 तक पहुंचे, क्या नहीं पहुंचे, हम 5 और 6 के बीच में रह गए 0.5। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, 5th + 6th upon 2। तो 5th वैल्यू कौन सी है, 10, और 6th वैल्यू कौन सी है, 12 upon 2। तो आंसर कितना आ जाएगा आपके पास, 11। आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, 5th वैल्यू 6th वैल्यू दोनों का मिड कितना आ जाएगा, 11। तो ध्यान रखना, मीडियन ही वन एंड ओनली ऐसा एवरेज है, वापस सुनिएगा, माध्यिका ही केवल एकमात्र ऐसा औसत है जिसको कि कैलकुलेट करने के लिए दोबारा एवरेज निकालते हैं। पहले तो मीडियन एवरेज है, और इसको एवरेज निकालने के लिए भी वापस क्या करा, एवरेज निकाला। 5 + 6 upon 2 का मतलब क्या हो गया, दोनों का एवरेज ही तो हो गया 10 और 12 का। ठीक है, तो ये कंसेप्ट कहाँ काम आएगा, ओनली मीडियन में। अब ऑल सभी के लिए क्या काम करेगा वो देखते हैं। सभी के लिए क्या काम करेगा कि फिफ्थ पोजीशन तो कंफर्म है ना हमारी, फिफ्थ पोजीशन तो कंफर्म है। अब प्रॉब्लम कौन कर रहा है, ये वाली प्रॉब्लम। तो 0.5 जो होगा वो किस किस के बीच है, भाई 5.5 है तो 0.5 किस किस के बीच है, फिफ्थ और सिक्स्थ के बीच में। तो हम फिफ्थ और सिक्स्थ के बीच का डिफरेंस निकाल लेंगे बस। तो इस फॉर्मूले में क्या होगा, 6th - 5th। तो फिफ्थ पोजिशन पर कौन है हमारे पास, 10, 0.5, सिक्स्थ पोजीशन पर कौन है हमारे पास, 12, और फिफ्थ पोजीशन पर कौन है, 10। आप बचपन में अपने बोर्ड मास पढ़ा होगा ना, तो पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व। तो ब्रैकेट सॉल्व कर लीजिए इनटू 2, तो 10 + 1 = क्या आ जाएगा आपके पास, 11। ओके, ध्यान से देखेंगे, बहुत काम आने वाला मेथड है, आगे इस पे क्वेश्चन भी आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इस मेथड पे। तो 5.5 के लिए हमने क्या किया, फिफ्थ पोजीशन तो कन्फर्म है, अब 5.5 का होगा इसके बीच में, तो 6th में से हमने क्या कर दिया, 5th पोजीशन को माइनस कर दिया। इसके एक दो एग्जांपल्स और बताता हूं मैं, देखिए साइड में, जे सपोज हमारे पास आ गया 10.25th, तो 10.25th में क्या करेंगे, 10th पोजीशन, इस क्वेश्चन के लिए नहीं, नॉर्मल एग्जांपल लिया, 10th प्लस
प्रॉब्लम कौन कर रहा है? डेसिमल, तो 0.25। अब 10.25 किस किस के बीच में होगा? 10 और 11 के, तो 11th माइनस 10th। अगेन देखो, जैसे सपोज आपके पास आ गया 15.75th वैल्यू, तो 15.75 का फॉर्मूला क्या बनेगा? 15th प्लस 0.75। अब 15.75 किस किस के बीच में होगा? 15 और 16 के, तो यहाँ क्या आ जाएगा फॉर्मूले में? 16th माइनस 15th। ओके, आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा, इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान रखना। अगर 0.5 आए तो आपको ये अप्लाई करना है, 0.5 मीडियन में, जहाँ भी 0.5 आए, आगे और भी जगह 0.5 आएगा, और 0.5 के अलावा कुछ और आ जाए तो आपको ये वाला कंसेप्ट अप्लाई करना है, ठीक है। अगर जब हम आगे पढ़ेंगे तो आपको मैं वापस घूम फिर के यहीं लाऊंगा इसी जगह, तो ये फॉर्मूला ध्यान से लिखना जरूर है, तो इसको प्रोसीजर को अच्छी तरह प्रॉपर नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, तो अभी हमने जो डिस्कस किया वो था मीडियन फॉर इंडिविजुअल सीरीज। इसके क्वेश्चन मैं आपको सेंड कर दूंगा, वही हमारा प्रोसीजर, जैसे आप वीडियो देख लें, नोट डाउन कर लें, सारे नोट्स बना लें, आप मेरे को मैसेज कर दीजिएगा, इसके क्वेश्चन मैं आपको सेंड कर दूंगा। आपको लगता नहीं होगा कि इसके क्वेश्चन आएंगे, लेकिन ये थोड़ा ईजी है, लेकिन इसके क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे वो मैं आपको भेजूंगा। ओके, थैंक यू, आज की क्लास हम यहीं ओवर करते हैं।